सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइज आप सभी को पता ही होगा कि कल से जो है पूरे इंटरनेट पे एक चीज काफी ज्यादा जो है तेजी से ट्रेंड कर रही है, जिसका नाम है इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर बैन। यस गाइज आप सभी को ये भी पता होगा कि जो है कुछ नए आईटी रूल्स हैं इंडिया। गाइज आप सभी को ये सब तो पता होगा, तो इस वीडियो में हम जो है इन चीजों के बारे में बात नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं कंपनीज के रिस्पॉन्ड के बारे में। यस गाइज इन कंपनीज ने जो है गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करा है, तो बताने वालों क्या क्या जो है इन्होंने लिखा, क्या सच में जो है इंस्टाग्राम ये सब बैन होने वाला है, बैन नहीं हो रहा तो किस वजह से नहीं हो रहा, अगर होगा तो क्यों बैन होगा। तो गाइस वीडियो एंड तक देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू करते हैं। गाइस हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कल की न्यूज के बारे में। तो भाई कल जो है इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट पे फैल रखा था कि आज रात 12 बजे से यानी 26 मई 12 PM से जो है इंस्टाग्राम ये सब जो है बंद हो जाएगा चलना। एंड गाइस काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड यूट्यूबर्स ने भी इस पे रिस्पॉन्ड करा था, लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हो अभी इंस्टाग्राम चला के सिर्फ इंस्टाग्राम जो है वर्क है। काफी सारी कंपनीज ने जो है रिप्लाई करा है यानी रिस्पॉन्ड करा है गवर्नमेंट के इस रूल से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ये न्यू आईटी रूल्स के बारे में। एक्चुअली गाइस आप सभी को पता ही होगा कि अभी जो है इंटरनेट इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, यानी आज के टाइम पे कुछ भी चीजें यानी कुछ भी गलत सलत चीजें जो है काफी तेजी से वायरल हो जाती है। तो इससे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट काफी ज्यादा हमारे डेटा को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है, तो इससे रिलेटेड जो है ये अब कुछ अपडेट्स है, आप जो है और डिटेल में रीड कर सकते हो इंटरनेट पे जाके। बेसिकली अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन कंपनी के रिस्पॉन्ड के बारे में। तो जो है फेसबुक ने गवर्नमेंट के न्यू रूल्स पे जो है काम करना चालू कर दिया है, बेसिकली जो उनको फॉलो करना इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है। यहाँ पे जो है फेसबुक ने 24 आवर्स की जो है टाइमलाइन मांगी है जो है अपने पूरे प्लेटफॉर्म से जो भी इनएप्रोप्रिएट यानी जो भी एड कंटेंट है उसको रिमूव करने का। अब गाइस इस तरीके से मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इनएप्रोप्रिएट कंटेंट क्या हो गया। जैसे आपने कुछ भी जो है 18+ डाल रखा है या फिर काफी सारी टॉक्सिक चीजें होती है जो इंटरनेट पे नहीं होनी चाहिए। यस गाइस अब जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक ये सारे प्लेटफॉर्म जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसे यूट्यूब पे काफी ज्यादा पॉलिसीज है, हम जो है कुछ भी अपने अगेंस्ट उनकी पॉलिसी में जा नहीं सकते, तो इस तरीके से जो है फेसबुक भी फॉलो करने वाला है। बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो गाइस व्हाट्सएप ने जो है आज यानी वेडनेसडे 26 ऑफ मई पे लीगल कंप्लेंट फाइल जो है यहाँ पे दिल्ली में दर्ज कर दी है। यहाँ पे व्हाट्सएप ने एकदम साफ कहा है कि ये जो नए रूल्स हैं एकदम हमारी प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहे हैं, यानी जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है उसके बीच में जो है ये ओरिजिनेटर की जो है वैल्यू बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है व्हाट्सएप ने कुछ रिस्पॉन्ड करा है। बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर ने जो है अभी कुछ भी इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करा है। बात करते हैं कि क्या सच में जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया में बैन होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो है मेरे ओपिनियन है, तो ये कोई भी कंफर्म न्यूज या फिर कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि गाइस ये इतनी बड़ी कंपनीज है यानी इंस्टाग्राम फेसबुक, ये अभी से जो है काम नहीं कर रहे, काफी टाइम से काम कर रहे हैं इंडिया में। एंड गाइस ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस चीज के चलते जो है बैन हो जाए, एंड इसके बहुत कम चांसेस है इंडिया में बैन होने के। खासकर यहाँ पे अगर जो है गवर्नमेंट जो भी इनसे जो है डिमांड कर रही है, तो आई थिंक कि ये कंपनी जो है बहुत जल्द से जल्द जो है इनकी डिमांड पूरी करेंगी। लेकिन गाइस अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इतनी बड़ी पबजी कंपनी थी एंड एक बहुत बड़ी कंपनी टिकटॉक भी थी, वो भी तो बैन हुई। लेकिन गाइस अगर हम देखा जाए तो वो तो चाइनीज कंपनी थी एंड वहां पे जो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ये सारी कंपनी अमेरिकन कंपनीज है, सारी यूएस की कंपनी है, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है। लेकिन गाइस अगर बैन भी हो जाता है तो बहुत जल्दी जो है वापस से इंडिया में आ जाएगा। गाइस हमें गवर्नमेंट के सारे जो है रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। एंड गाइस जो भी डिसीजन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको जो हमें जो से फॉलो करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। मैं आप सभी से प्लीज ओपिनियन जानना चाहता हूं कि अगर ये इंस्टाग्राम बैन हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी मैं अपना बताऊं तो गाइस मैं तो भाई अपना यूट्यूब ही करूंगा। और गाइस ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।